टिकटॉक ने वेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए देश के दिग्गज वकीलों से संपर्क किया है, लेकिन उसकी कोशिशों को झटका तब लगा जब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील अमन सिन्हा ने उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने से अभिषेक मनु सिंघवी पर दबाव पड़ा और उन्होंने भी टिकटॉक को न कह दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी को डर था कि वैसे ही कांग्रेस पार्टी की चीनी एजेंट वाली छवि बन गई है, तो ऐसे में यदि वो टिकटॉक का केस लड़ते हैं तो देशवासियों का और अधिक गुस्सा कांग्रेस पर निकलना तय है। टिकटॉक इतनी बौखलाहट में क्यों है, यदि ये जानना है तो टिकटॉक द्वारा भारत में की जा रही कमाई का जानना बहुत जरूरी है। कल तक भारत को नुकसान की बात कहकर डराने वाले चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आज स्वीकार कर लिया है कि भारत में बेन से टिकटॉक को 6 अरब डॉलर यानी करीब 44,400 करोड़ रुपए का नुकसान होने की उम्मीद है। अब जरा सोचिए कि हम भारतीयों की बेवकूफी के कारण सिर्फ एक चीनी ऐप इतनी भारी भरकम रकम भारत से बटोरकर हमारे दुश्मन चीन की झोली में डाल रही थी। कुल 59 ऐप्स ने अब तक कितनी लुटाई करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पहुंचाई होगी, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम मूर्ख भारतीय सस्ते और फूहर मनोरंजन के चक्कर में अपने दुश्मनों को मजबूत बनाते रहे ताकि वो बॉर्डर पर हमारे जवानों